तो हे गाइस, आज आए हैं हमारे घर पे हमारे मासा जी। तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा बना के खिलाना होगा, ठीक है। तो हमारे घर पे हरी सब्जी तो अभी है नहीं और मम्मी भी नहीं है, तो जो है वो ये है। तो आज हम सोया बड़ी बनाएंगे। वैसे तो ये खाते नहीं मासा जी, बट क्योंकि ना वो बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, पर देखते हैं कि आज क्या होता है, ठीक है। मैंने तो ठान लिया कि आज यही बनाएंगे, क्योंकि कुछ और तो है भी नहीं, ठीक है। तो जो हमारे पास वेजिटेबल है वो उसकी कटिंग कर लेते हैं। आई होप मासा जी को अच्छी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तेल डाल दिया और कुछ खड़े मसाले डाल दिए, ठीक है। जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, तेजपत्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है अपना प्यारा प्याज को, ठीक है। उसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्ची, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी अच्छे से इसमें पका लेंगे, ठीक है। इसको पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये जलने लग जाते हैं और प्याज पकता ही नहीं है, इसलिए बाद में डालते, ठीक है ना। और अब डाल देंगे हमारा टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे क्या है कि जितना भी नमक आपको ऐड करना वो इस टाइम ही ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। और ये हमारे को ढका के ढक के पकाना है। उसके बाद में हमने खड़े जो मसाले वो डाल दिए, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर और कसूरी मेथी मैंने डाली है, ठीक है ना। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद में हमारे पास मटर थे तो मैंने सोचा ये मटर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा हरा भरा हो जाएगा सब्जी और हरी सब्जी भी हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो इन सबको डाल के पका लिया, ठीक है। इसके बाद में हमने डाला इसमें पानी, क्योंकि ना सोया बड़ी का जो पानी हम निचोड़ के फिर डालते हैं ना, तो इसके बाद में क्या वो फिर से इस मसाले को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए हमने इसमें डाला पानी, ठीक है ना। पानी डालने के बाद में उसमें उबाली लिए। उबाली लेने के बाद में हमने डाल दी हमारी सोया बड़ी, ठीक है दोस्तों। सोया बड़ी डालने के बाद में हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे धनिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आई होप कि मासा जी को भी अच्छी लगे। बस उनका कॉम्प्लीमेंट का वेट है मेरे को कि कैसी लगी है, ठीक है। और उन्होंने भी मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि आज देखते तुम क्या बनाते हो अच्छा, ठीक है। तो यही था मेरे पास, तो अब देखते क्या कहते हैं वो, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। और आपको क्या लगता है मासा जी क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मासा जी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट ही दे, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी थी। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।